प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु के 12 चेले थे और 12 चेले में से एक पतरस। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा कि आज रात मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कारण यह था कि पतरस से ऐसा बोला था कि प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, ये 11 ठोकर खाए तो खाए लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, इसलिए प्रभु यीशु ने उसको ऐसा कहा। तो जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा तो पतरस ने भी बोला कि प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार, जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो और 11 चेले थे, उन लोगों ने भी वही बात बताई, हाँ प्रभु हम भी आपके लिए मरने के लिए तैयार, हम भी आपके साथ जेल में जाने के लिए तैयार। लेकिन प्रभु यीशु ने 11 में से किसी को ऐसा नहीं कहा कि आज तू मेरा इनकार करेगा। प्रभु यीशु ने सिर्फ पतरस को ही क्यों कहा कि आज रात मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, इसके पीछे क्या राज है, क्यों पतरस को ही कहा गया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो और कहीं मत जाएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हम सभी को जिंदा रखा और इस जगह पर परमेश्वर ने इकट्ठा किया, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार प्रभु यीशु जो थे वो अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे थे और चेलों के साथ बातचीत ये कर रहे थे कि मुझे यरूशलेम जाना है और मुझे मरना है। और प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि लोग मुझे पकड़ लेंगे, मतलब चरवाहे को मारेंगे और भेड़ जो है वो बिखर जाएगी। और उस वक्त प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के सिर्फ 12 चेले थे, लेकिन वो बातचीत हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बाइबल में लिखा है और हम उसको पढ़ते हैं, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 31 से लेकर 35 पढ़ो। तो मत्ती 26 31 से 35। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अभी देखो यहाँ पर सभी चेले हैं, प्रभु यीशु भी है और प्रभु यीशु ने ये जो बात बताई उसके कारण पतरस ने बोल दिया कि नहीं प्रभु, और लोग ठोकर खाए लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। फिर पतरस ने ये भी बोला कि प्रभु आपके लिए मुझे मरना पड़े, कि आपके साथ जेल में जाना पड़े, तो भी मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। और बाकी के जो चेले थे उन्होंने भी वही बात बताई कि हाँ प्रभु, पतरस क्या हम भी सभी आपके लिए जेल में जाने के लिए, आपके लिए मरने के लिए तैयार है। जब पतरस ने ऐसा बोला पहले कि प्रभु ये 11 ठोकर खाए लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, तो प्रभु ने पतरस से ऐसा कहा कि पतरस आज रात मुर्गा बोलने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो चलो उस वक्त तो पतरस अकेले बोले थे कि प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तो जैसे प्रभु ने बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो पतरस ने क्या बोला कि प्रभु मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार और आपके साथ मरने के लिए भी तैयार, मैं आपका इनकार नहीं करूँगा। तो बाकी जो चेले थे ना उन लोगों ने भी बोला, हाँ प्रभु हम भी आपके लिए मरने के लिए तैयार, जेल में जाने के लिए तैयार, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि हम लोग ठोकर खाएंगे। तो प्रभु ने 11 को कुछ नहीं बोला कि आज तुम मेरा इनकार करोगे, ये बात सिर्फ पतरस से कही। जबकि पहली बार चाहे पतरस अकेले ने बोला कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बाद तो 11 चेलों ने भी बोल दिया कि हाँ प्रभु हम भी आपके लिए मरने के लिए तैयार। और देखो 11 चेले भी तो भाग गए थे और एक तो पकड़वाने वाला ही था। तो
प्रभु ने बाकी के चेलों को ये नहीं कहा कि तुम मेरा इनकार करोगे, लेकिन ये बात सिर्फ प्रभु सुने पतरस से ही कही। और जब हम पतरस की बात करते हैं तो हम पतरस शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पतरस का नाम पतरस नहीं था, पतरस का नाम था सिमोन, ये उसका पुराना नाम था। और पुराना मानो तो पुराना और नया मानो तो नया, क्योंकि अगर हम किसी का नाम बदल दें, हम किसी को अलग नाम से बुलाएं, तो वो हमारी बात हुई, लेकिन उसका नाम तो जो रजिस्टर किया होगा वही रहेगा। तो पतरस का नाम सिमोन था, मार्म ने जिसने भी रखा होगा कि माता पिता ने रखा होगा, चाहे जिसने भी रखा हो, लेकिन वही नाम चल रहा था। ये तो एक बार ऐसा हुआ कि आंद्रिया जो थे वो यूहन्ना के चले थे, जो यूहन्ना बपतिस्मा देते थे, तो उन्होंने एक बार प्रभु सु को देखकर बोला कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो इस संसार का पाप उठाए चलते। तो जब इन्होंने सुना तो आंद्रिया और उनके साथ एक चेला और था, वो दोनों प्रभु सु के पीछे भागे, प्रभु सु के साथ रहे, और उनको पता चला कि यीशु ही मसीह है। तो आंद्रिया ने घर पर आकर पतरस को बताया, तो पतरस को बताया उसका नाम सिमोन था, बोले चल मैं तुझे मसीह बताता हूँ, मुझे मसीह मिले हुए। तो सब गए, ये दोनों गए प्रभु से मिले, पतरस भी मिले। तो प्रभु से जैसे पतरस को देखा तो बोल दिया कि आज से तेरा नाम केफा रहेगा, और केफा मेरे ख्याल से आरामी शब्द है और पतरस इब्रानी शब्द है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रभु सुने नाम जो है वो बदल दिया था, और केफा या पतरस उसका मतलब होता है चट्टान। तो प्रभु सुने ये नाम बदल दिया। अभी पतरस ने देखा कि सुने मेरा नाम बदल दिया, ये तो मसीह है, लेकिन उनको अंदर से कुछ नहीं था, मसीह तो मुझे क्या लेना देना। वो तो वापस आ गए घर पर और अपना कारोबार कर रहे थे, और कारोबार कर रहे थे उन्हीं दिनों में प्रभु से एक बार फिर वहाँ पर आए, और आकर पतरस, उस दिन उनको मछली नहीं मिली थी, पूरी रात बहुत मेहनत की थी, तो पतरस की ही किस्ती में बैठकर प्रभु से लोगों को उपदेश किया। और फिर प्रभु सुने उपदेश करने के बाद पतरस को बोला कि पतरस गहरे जल में जाल डालो, मछलियाँ बहुत आएगी, और पतरस ने ऐसा किया भी और बहुत सारी मछली आई भी, और पतरस जो है वो मछली छोड़कर प्रभु सु के पीछे वो चल पड़े, कारोबार भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, और पतरस प्रभु सु के पीछे चल पड़े। लेकिन वही पतरस जब उन्होंने पहली बार जाना था कि यीशु मसीह है, तो उनको कुछ असर नहीं हुआ था, जानकर भी वापस आ गए थे और अपने कारोबार में वो मस्त हो गए थे। उसके बाद कारोबार छोड़ दिया, प्रभु सु के पीछे चल पड़े, अच्छे चेले बने, और जब प्रभु सु मरकर जिंदा भी हो गए, दो बार दर्शन भी दे दिया था, और पतरस वापस लोगों को बोलते कि चलो मैं तो मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ, पूछा नहीं कि किसी को आना है, मतलब बताने का इरादा यही था, आना है मेरे साथ। सभी चेले बोलते हाँ चलो हम भी आपके पास आते हैं, अभी रहा ही क्या है, तो चलो हम भी मछली पकड़ने के लिए आते। जो पतरस जिन्होंने कारोबार छोड़ दिया था, प्रभु से के पीछे चल पड़े थे, वही पतरस अब वापस अपने कारोबार में वो चले गए थे, मतलब जो छोड़ा था उसको वापस पकड़ लिया, जो रास्ता छोड़ दिया था उसी रास्ते पर वापस चल गए। एक बार प्रभु सुने प्रचार किया कि अपने भाई को माफ़ करना चाहिए, पतरस बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो प्रचार खत्म होने के बाद पतरस ने पूछा कि प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरी क्षमा मांगे और मैं कितनी बार उसको क्षमा करूँ, क्या 7 बार? अपनी ओर से जवाब देते, क्या 7 बार मैं क्षमा करूँ? तो बोले नहीं, 70 गुना, तू 7 बार बोलता है लेकिन मैं बोलता हूँ 7 बार नहीं, तू 70 गुना, और 70 गुना भी तू 7 बार क्षमा कर। तो पतरस ने ये बात सुनी, पतरस ने ध्यान से सुना था तभी उनको सवाल हो गया था कि क्षमा करूँ तो कितनी बार, फिर उत्तर भी मिला, ऐसा उत्तर मिला जिसका अर्थ ये होता था कि बस हमको क्षमा ही करना है। और वही पतरस उन्होंने क्या किया था, उन्होंने
एक सिपाही का उन्होंने कान काट दिया था, जबकि उन्होंने सुना था कि हमको माफ़ करना है। और प्रभु यीशु हर बार यही बात सिखाते थे, हमको माफ़ करना है, माफ़ करना है, माफ़ करना है। और बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं जो है लुका में उसका 22:36-38 पढ़ो। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। अभी देखो, प्रभु सु माफ़ करना सिखाते थे। प्रभु सु ने ये भी कहा था कि मेरा राज इस संसार का नहीं है, अगर मेरा राज इस संसार का होता तो मेरी सेना होती और मेरी सेना लोगों के साथ लड़ती, मेरे पास तो कोई सेना नहीं। तो प्रभु सु लोगों को क्षमा करते थे, क्षमा करना सिखाते थे। लेकिन आखिरी दिनों में एक वचन था, एक भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु के बारे में कि वो अपराधियों में गिने गए। तो अपराधी कब करार दिए जाएंगे? कि जब उनके पास ऐसा कुछ मिले तो वो वचन पूरा हो। इसलिए प्रभु से ने 12 चेलों को बोला कि देखो, मैंने पहले ऐसा बोला था, लेकिन अभी है ना, ऐसा करो, पैसों से या कपड़े से किसी तरह से भी तलवार खरीद लो। तो किसी ने बताया, प्रभु 2 तो है हमारे पास, तो इसका मैं साथ में लेकर घूमते थे ना, जबकि प्रभु से सिखाया था ना माफ़ करना है। तो अभी चुपके से ये लोग साथ में रहकर, साथ में तलवार रखते थे ना, 2 तलवार थी। अभी एक किसकी थी मालूम नहीं, लेकिन एक तो पतरस की थी, क्योंकि पतरस ने कान काट दिया था। तो पतरस तो तलवार रखते नहीं थे, लेकिन चलाने की पूरी तैयारी के साथ रखते थे, अगर मौका मिला तो देखी जाएगी, मार देंगे, प्रभु से भी शर्म नहीं रखते थे। तो देखो, पतरस सीखते थे, पूछते भी थे कितनी बार क्षमा करो, और साथ में तलवार लेकर भी घूमे तो बोलेंगे 70 बार, आने तो दो मेरे सामने, उड़ा दूंगा। और देखो ऐसा ही किया, उड़ाने का ही प्रयत्न किया उसने। वो तो चलो वार खाली हो गया और सिर्फ कान कट गए। एक बार प्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? फिर चलो सुबह, चलो आप ही बताओ, आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? तभी भी पत्र से ही पहले जवाब दिया था, प्रभु आप तो मसीह हो, बोले जीत परमेश्वर के पुत्र हो। प्रभु से बोलते, सच्ची बात है, ये तो उसे किसी लाहौर माँ से नहीं बताया, ये तो उसे पिता परमेश्वर ने बताया। और पत्रस, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि तू पत्रस है, न चट्टान है, और तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊँगा। फिर प्रभु उसने वापस ये बात की, मुझे यरूशलेम में जाना है, मुझे मरना है, लोग मुझे मार देंगे। और पत्रस बहुत फॉर्म में थे, मेरे साथ पिता परमेश्वर बात कर दें, एक और लेकर गए, हे मरने की बात मत कर, ऐसी फालतू बातें नहीं करनी है, जो कुछ नहीं होगा। बाइबल में ऐसे लिखा, डांटा पत्रस से प्रभु यीशु को, डांटा, कितने फॉर्म में आ गए होंगे। और प्रभु ने क्या बोला, हे शैतान मेरे पीछे जाकर। मतलब जिस पत्रस के साथ 1 मिनट पहले पिता परमेश्वर बात कर रहे, मतलब पिता परमेश्वर को समर्पित थे, और 1 मिनट के बाद शैतान को भी समर्पित, अब शैतान उनके अंदर बात करते, तो पत्रस जो थे उनका जीवन कुछ और था। वो चंचल स्वभाव के थे, कभी शैतान में भी हो जाते थे, कभी परमेश्वर में भी हो जाते थे, कभी इधर तो कभी उधर, पूछना क्या, सुनना क्या, समझना क्या, और करना भी क्या। पत्रस अपनी बातों पर स्थिर नहीं रहते थे, पत्रस चंचल थे। जब प्रभु उसने कहा कि आप लोग ठोकर खाओगे, पत्रस बोलते 11 खा सकते, मैं तो नहीं खा सकता। मतलब ये कहना चाहते, मेरा विश्वास इतना है, अरे प्रभु मेरा आपसे प्रेम इतना है, मैं कैसे आपको छोड़कर भाग जाऊँ। और देखो पत्रस भी भाग गए थे। फिर वापस उनको ऐसा हो, चलो इन्हें पीछे चलते, तो प्रभु उसके पीछे भी गए। तो प्रभु से बोला था कि पत्रस तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, वो भी आज रात। और पत्रस ने बोला, नहीं प्रभु, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार, मैं तो मरने के लिए तैयार। लेकिन वही पत्रस ने मरने के डर से
प्रभु यीशु का 3 बार वो इनकार कर दिया। लेकिन 12 चेले थे, प्रभु ने सिर्फ पतरस को कहा था कि पतरस आज रात तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसका कारण यही था कि प्रभु यीशु पतरस को जानते थे कि पतरस स्थिर नहीं है, पतरस चंचल है। वो बोलते क्या है, सुनते क्या है, समझते क्या है और करते भी क्या है, एक बात पर स्थिर नहीं रहते थे। बोलना क्या, समझना क्या और करना क्या, सभी बातों में पतरस वो अलग थे। इसलिए जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने पतरस को पहली बार देखा तभी प्रभु यीशु समझ गए, नाम क्या है भाई, सिमोन, ये चंचल है, सही नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला तेरा नाम आज से कैफा, मतलब कि पतरस रहेगा। प्रभु यीशु उसका नाम क्या बनाया, पतरस, मतलब कि चट्टान, और चट्टान मतलब जो स्थिर रहती है, चट्टान मतलब जो कभी हिलती नहीं, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कितने भी धरती कंप हो जाए, लेकिन चट्टान को कुछ नहीं होता। और परमेश्वर पतरस को क्या बनाना चाहते थे, चट्टान बनाना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस का नाम जो है वो बदल दिया था। लेकिन पतरस विश्वास में चंचल थे, पतरस कामों में चंचल थे, पतरस स्थिर नहीं थे। और प्रभु यीशु पतरस को अस्थिर रखना नहीं चाहते थे, प्रभु यीशु पतरस को एक चट्टान बनाना चाहते थे। और हमारे परमेश्वर वो किसी का पक्ष नहीं करते, वो आज सभी को स्थिर करना चाहते, एक चट्टान बनाना चाहते। और इसलिए हमें कैसा बनना है, पतरस के समान, कैफा के समान एक चट्टान बनना है। कभी इधर कभी उधर अस्थिर वाली बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमें एक ही विश्वास में और एक ही वचन में और एक ही समझ में हमें स्थिर रहना है, क्योंकि इन आखिरी दिनों में जैसी जैसी परिस्थितियाँ इस धरती पर होती है, वैसे ही सेवक लोग, पास्टर लोग वो अलग अलग बातों में अस्थिर हो जाते हैं। और कभी बोलते हैं कि प्रभु की ये भविष्यवाणी, कभी बोलते हैं वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, कभी बोलते हैं ये मोहर खुल गई, कभी बोलते हैं वो मोहर खुल गई, और कभी बोलते अभी कुछ नहीं हुआ। तो आज परिस्थितियों में लोग चंचल हो जाते, और चंचल इसलिए है क्योंकि विश्वास में स्थिर नहीं। लेकिन हमें कैसा होना है, विश्वास में स्थिर होना है, हमें चट्टान बनना है। हालेलुया।